कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा इंदौर शहर के अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई अन्य अधिकारी सावर पहुंचे और सावर के शासकीय महाविद्यालय में कोविड सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए मंत्री और कलेक्टर महाविद्यालय के हॉस्टल का निरीक्षण करने बुधवार को पहुंचे। जानकारी के मुताबिक फिलहाल इस कोविड सेंटर में 30 पलंग की व्यवस्था की गई है, जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों को खानपान की स्वच्छ व्यवस्था और तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें दवाई, ऑक्सीजन सहित मरीज का भोजन भी शामिल है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जल्दी ही यह कोविड सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जहां संक्रमितों को रखा जाएगा। वहीं यदि किसी मरीज की स्थिति गंभीर होती है तो उसे इंदौर रेफर किया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जो जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आए, ऐसी पंचायत हमारी मांगिया है, पालिया है। ये दो तीन पंचायतें ऐसी हैं, दो पंचायत ऐसी हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के केसेस आए। आज भी यहां पे 13 और 10 कोविड के केसेस आए हैं। इन दोनों पंचायतों को हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि फिर कोरोना तो अभियान तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमें वहाँ पे सन मॉनिटरिंग करनी है और वहाँ पे सभी व्यक्तियों का, जो भी हमें आई एल आई का जो पेशेंट मिलता है, जो भी हमें संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, उसको हमें वहाँ पे क्वारंटाइन करना है और फीवर क्लिनिक में जाके टेस्ट कराना है। और जो हमारी जो आपकी टीम के पास जो भी रैपिड जो RRT बनी हुई है, उनसे उनकी सैम्पलिंग करानी है। खेल कोरोना टू अभियान के अंतर्गत अभी जैसे कई आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी ANM ने कुछ बातें रखी कि हमें इस चीज़ों की समस्या है, या फिर जैसे आपको मास्क हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, किसी को समस्या आई थी। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सभी जो हमारे सचिव रोजगार सहायक हैं, इस पर कोविड का ये दूसरी लहर दिशा जो बोली जा रही है, जिसका प्रकोप चल रहा है, पहले शहरों में आई है, केसेस गाँव में बढ़े हैं, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एक तीन कोरोना अभियान टू एक प्रारंभ किया है। इसमें हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के स्तर हर घर में जाएंगे, संभावित मरीजों को चिन्हित करेंगे, उनका सैंपलिंग टेस्टिंग कराएंगे और साथ में उनको मेडिकल किट भी देंगे, ताकि तत्काल उनका मेडिकेशन नहीं हो सके। आवश्यकता पड़ने पर उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा और ये भी समझाया जाएगा कि जनता कर्फ्यू का पालन सख्ती से करें। आवश्यक बनाने के लिए गाँव में अगर जनता कर्फ्यू का पालन ठीक से हो जाता है, मेडिकेशन टाइम में मिल जाता है घर में लोगों को, लोग अनावश्यक नहीं निकलते हैं, गाँव से भी बाहर जाना भी किसी को तो अपना कोई लिमिट हो, 3 लोगों को प्रेरित करने को वो सामान ला के ला सकते हैं गाँव में। इस तरह की व्यवस्थाएँ गाँव में होंगी, जनता कर्फ्यू का सही पालन होगा तो मेरे ख्याल से गाँव के में जो ये स्प्रेड हो रहा है इसको बहुत प्रभावी तरीके से रोक सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, महाराष्ट्र में कई गाँव में गया है, स्थिति बहुत ख़राब रही है वहाँ पर, और गाँव में जाने पर नियंत्रण में बड़ी समस्या आती है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र के एक्सपीरियंस को यहाँ ये सब प्रयास किए जा रहे हैं कि बढ़ने देने से पहले ही इसको नियंत्रित कर दिया गया है। सर, देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव कम हो रहा है, इसीलिए सब घर में भेजा जा रहा है। इनको ब्रीफ किया गया है सभी आशाकर्मी को, किसी को अगर टेस्टिंग करानी है, सैम्पलिंग लेना है, तो उसका क्या तरीका रहेगा, दवाइयाँ किस प्रकार से खानी है, क्या प्रिकॉशन रखना है जनता कर्फ्यू के लिए, अगर किसी को लक्षण दिख रहे हैं तो होम आइसोलेशन में कैसे उसको के लिए हर घर पर भेजा जा रहा है। सागर में कोविड केयर सेंटर की भी शुरुआत की है, हाँ वो भी हम देखने जा रहे हैं, जितने भी बनकर तैयार हो जाएगा, उसमें अच्छा भोजन रहेगा, भाप की व्यवस्था रहेगी, दवाइयाँ रहेंगी और कम्फर्टेबल स्टे रहेगा पेशेंट का, डॉक्टर्स देखेंगे वहाँ पर, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, 2-3 दिन में बनकर तैयार होगा। कितने बेडों की सुविधा अभी मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी इन्होंने 50 या 100 बेड के बीच रखी है व्यवस्था, उसको कैसे एक्सटेंड कर सकें, आवश्यकता होगी तो एक्सटेंड भी करेंगे। सर, अभी हमने देखा है कि सावेर के अंदर शक्ति का बहुत अभाव है, कुछ भी शक्ति नहीं होता सर, यहाँ पर भीड़ इतनी हो जाती है कि 1 हाट बाज़ार से भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ठीक है, उस पर इसी भी हम लोग आए हैं, बोला जाएगा शक्ति की जाएगी, आधी शटर चालू रहती है, शटर बंद रहती है। सर, यहाँ पर आधी शटर खोल के अधिक से अधिक दुकानदार सब माल दे रहे हैं। देखिए, वर्चुअल में प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग फील्ड वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इसीलिए हम लोग वैक्सीनेशन पहले ही हो गया है, सभी से लोग बैठे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर फील्ड में आते हैं, वैक्सीनेशन कर लिया जाता है, और कार को फील्ड में करना पड़ता है, रिस्क करना पड़ता है, इसीलिए वर्चुअल में सारे हमारे फील्ड में जो भी दे सकते हैं। सर, आशा कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी देखने को मिला है, मुझे लगता है नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।